बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की बहुत ही खास्ता कचौड़ी, एकदम हलवाई स्टाइल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं। हम कचौड़ी बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें मोयन के लिए हम 1 कटोरी तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मोयन हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि हमारा ऐसा आटा बाइंड होने लगे, तभी हमारी कचौड़ी खास्ता बनेगी। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालना है और इसे गूथना है। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम 1 कटोरी मूंग दाल को 2 घंटा पानी में सोख करके छोड़ दिए थे। अब इसको हम मिक्सी में डाल के जार में पीस लेंगे। इसको मैंने जार में डाल लिया है, अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है। हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब चलिए एक पैन गरम करते हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा हींग, और फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें हम अपना पीसा हुआ मूंग डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे हम। अब इसमें हम मिर्चा पाउडर, जैसा आप तीखा खाते हो, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा स्टफिंग अब रेडी हो चुका है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा डो भी सेट हो चुका है, अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हमारा स्टफिंग ठंडा हो चुका है, अब हम एक पेड़ा लेंगे इस तरह से और ऐसे। अब इसमें हम 1 चम्मच अपना स्टफिंग डालेंगे और इसे हाथ से दबा के इस तरह से इसे पैक करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे हाथ से दबा देंगे। इसी तरह सारे हम को भर लेंगे और बना देंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे और इस तरह मैंने सारे कचौड़ी को भर लिया है। अब एक एक करके इसमें हम डालेंगे। हम फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इसे पकने देंगे ताकि हमारा कचौड़ी अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। अब हम कचौड़ी को एक एक करके पलट देंगे। हमारी कचौड़ी अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमारी मूंग दाल की कचौड़ी बनके एकदम रेडी है दोस्तों। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।